Massive violence in Haldwani there. Two people have died in the violent clashes. Also, violent clashes broke out during the demolition drive to remove illegal encroachments. Violence broke out after an illegal building called a madrasa by locals is brought down by the municipal corporation. Reacting to this, miscreants threw stones at police officers, set vehicles on fire, including a police car. Nainital DM Bandana Singh said the attacks on police personnel were pre-planned and that the demolished building was not actually a madrasa. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami reviewed the situation, appealed to people to maintain peace, instructed to deal strictly with unruly elements. He's also said that in the latest statement that rioters won't be spared and strictest action is going to be taken against them. Meanwhile, there's been heavy police deployment. Section 144 imposed. Internet services have been suspended as well. हाँ, बंधक ही बना लिया था कि सबको संग बच के हम भाग रहे थे, हमें गली में भागे तो क्योंकि हर गली से पत्थर चल रहे थे, जैसे पुलिस आगे भाग रही थी पुलिस के ठीक पीछे पीछे लोग पत्थर लेके आ रहे थे, तो एक टी पॉइंट था वहीं फंस गए हम भी। मैं था, हमारे साथ बबली दा थे, दो पुलिस वाले थे। तो जब पुलिस आगे बढ़ गई तो फिर जो वहाँ पर लोग भीड़ बची थे उन्होंने हमारी तरफ पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। लेडीज बच्चे सारे के सारे पत्थर मार रहे थे, कोई दरवाजे से मार रहा है, कोई खिड़कियों से मार रहा है, कोई छतों से मार रहा है। उसके बाद हम कैसे कैसे करके बच के गिर के एक ईंट मेरे यहाँ लगा, एक पैर में लगाया, घाव आया पैर में, मतलब कैसे हम बच के आए हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम कैसे बच गए। चारों ओर से पथरा होने शुरू हो गया तो पब्लिक ने घेरा, सर पे चोट आई, यहाँ लगी है, कमर पे लगी है और पाँव में लगी है चोट। ना कहीं से भागने के चांस नहीं थे, चारों ओर से घेर लिया था और पथराव चारों ओर से हो रहा था, छतों से, गलियों से और कहीं कहीं आग लगे रास्ते होल्ड कर लिए थे, बचने का चांस नहीं था वहां से। जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वॉज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेज को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं वहाँ पर। अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी की स्थिति को देख मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत दुखी भी हूँ। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, भाईचारे का, तरक्की का, सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और फिर से सौहार्द कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। Clearing out the debris right now. You can see the whole area and it says tells the tale that how violent the mob was which attacked the police when an illegal encroachment drive, anti-illegal encroachment drive was being pursued. Now the government is not leaving any stone unturned to ensure peace in the area, but the government also wants to ensure that who were those people behind the attacks, whether it was a pre-planned attack or it was just an anger. Those details are yet to come and somehow these details will tell
the full tale behind what happened. This is Ankit Sharma for India Today, Haldwani.